This call is now being recorded. ओके स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट अवर सेशन। आज हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है गाइगर मुलर काउंटर पे है, तो उनके थोड़ा हिस्ट्री हम बता दूँ तो आपको, पहले हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़े कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने गाइगर मुलर काउंटर के बारे में कुछ कहीं थियरी पढ़ा है? पहले मैं आपको पूछता हूँ। यस सर। हाँ, तो वो क्या इसमें रेडिएशन डिटेक्ट करता है? गुड। कौन सी रेडिएशन डिटेक्ट करता है? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, ओके। अभी आपने बताया कि भाई वो अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कैसा रेडिएशन है? अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो है वो कैसी रेडिएशन है, कुछ आप बता पाओगे? हाँ सर। सर बीटा बीटा होता है वो अल्फा से 100 गुना ताकतवर होता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है 100 गुना, और गामा की बीटा से 100 गुना ज्यादा होती है इंटेंसिटी। डेंसिटी ज्यादा होती? डेंसिटी नहीं सर, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ज्यादा होती? हाँ, इंटेंसिटी ज्यादा होती। ओके, अब देखो आपने बताया अल्फा बीटा गामा वो पार्टिकल्स जीएम काउंटर डिटेक्ट करते हैं। ये तीन पार्टिकल्स कौन डिटेक्ट करता है? जीएम काउंटर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जीएम काउंटर डिटेक्ट दिस पार्टिकल। लेकिन ये पार्टिकल कहाँ से आता है, ये कुछ आपके पता है? ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स कहाँ से आपको ये मिलते हैं? हाँ सर, वो पूरा एक्सपेरिमेंट सर पूरा वो सेटअप होता है, मेटल चैम्बर होता है, बाजू में एक मिका विंडो होती है, और फिर अंदर एनोड वायर होता है, फिर उसके अंदर करंट पास करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वो पूरे आप जीएम काउंटर की बात कर रहे हो, मैं इसका फंडास की बात कर रहा हूँ कि भाई अल्फा बीटा गामा जो पार्टिकल्स है वो कहाँ से आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, वेयर वी गेट दिस पार्टिकल, अल्फा बीटा जो गामा तीन पार्टिकल कहते हो, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से आप इन्हें लाओगे, ये कहाँ से एमिट होते हैं? एनी आइडिया? ओके, थोड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं, आपको बताई होगा लेकिन थोड़ा भूल गए लगते हो। ये जो पार्टिकल्स हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, दे एमिट और दे आर एमिट फ्रॉम न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, दे एमिट फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। याद आया कुछ? ओके, अब रेडियो एक्टिव मटीरियल से ये पार्टिकल्स एमिट होते हैं, उसको कोई एनर्जी नहीं देनी होती है। रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव मटीरियल की कोई एग्जांपल पता है? रेडियो एक्टिव मटीरियल की कोई एग्जांपल? यूरेनियम। यूरेनियम सर। यूरेनियम, गुड। एनी अदर? यूरेनियम, एनी अदर यू नो? रेडियम, रेडियम, थोरियम, 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 गुड। रेडियम, थोरियम, थैलियम, सीजियम, थैलियम, बहुत सारे हैं, पोलोनियम। ओके, अब इसकी हम थोड़े कंसेप्ट देख लेते हैं।
कि भाई ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है और यहाँ पर आप उससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल आता है। अब रेडियो एक्टिव सोर्स है जो भी, ओके अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बताता हूँ कि भाई आपके पास ये एक सोर्स आपने ले लिया, चैम्बर ले लिया, उसके अंदर आपने कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ पे आपने रख दिया है, रेडियो एक्टिव सोर्स। इफ यू प्लेस दी रेडियो एक्टिव सोर्स, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ हाँ बन गया, अभी आ रहा है क्लियरली, आवाज आ रही है क्लियरली, हेलो। यस सर हाँ, तो अभी ये रेडियो एक्टिव सोर्स है वो एमिशन करता है अल्फा या तो बीटा एमिशन करता है या तो गामा एमिशन करता है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स से आता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये एटम से आते हैं ये पार्टिकल या न्यूक्लियस से आता है। दिस रेडिएशन इज कमिंग फ्रॉम एटम और फ्रॉम न्यूक्लियस, क्वेश्चन समझे? ये एटम से एमिशन हो रहा है या तो न्यूक्लियस से, कहाँ से हो रहा है ये आपको आंसर देना है। सर, एटम में तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हाँ, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, सही है? तो ये एमिशन कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से ये रेडिएशन आती है या एटम एटम के लेवल से आती है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस से, ओके गुड, ये आंसर है भाई, न्यूक्लियस से ये रेडिएशन आता है। क्योंकि ये कई बार आंसर नहीं दे पाते स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं ये बेसिक से जा रहा हूँ कि दिस रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस रेडिएशन, राइट हियर, दिस रेडिएशन एमिट्स फ्रॉम न्यूक्लियस, ओके ये आपको ध्यान रखना है, ये रेडिएशन कहाँ से आता है, तो कि न्यूक्लियस से एमिट होता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आपने न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो है ही और एटम के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन है, तो वो थोड़ा वो फिजिक्स देख लेते हैं, आपका इंटरेस्ट बना के भाई यहाँ रेडिएशन कैसे आता है, थोड़ा फिजिक्स आपको पता चले कि भाई हमारे न्यूक्लियस जो रहता है उस न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन। एटम जो रहता है, ओके एटम को किसको कहते हैं हम, के इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के आसपास, सही है? तभी ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होंगे नेगेटिव। नेगेटिव। ओके अभी मेरा क्वेश्चन, अभी आप देखना, आपको सरप्राइज हो गया कि भाई हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो एमिट करता है अल्फा एमिट करता है, अल्फा को हम लिख सकते हैं 2He4, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एमिट करता है अल्फा, उसका दो एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर 4 होता है, इसलिए हम उसे किससे कंपेयर करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को। बीटा पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसे हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं, उसका चार्ज जो होता है दैट विल बी दैट इज E-1, और उसका मास जो होता है, और उसको मैं इधर फिर से लिख देता हूँ, E-1 0। बीटा, बीटा दो तरह के, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, उसको इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं और पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं, बीटा दो तरीके रहता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस, दो तरह के चार्ज पार्टिकल एमिशन आप देख सकते हो। और गामा तो हमारा गामा एमिशन है न्यूट्रल, ओके गामा एमिशन इज अ दैट इज अ न्यूट्रल एमिशन, और उसके कोई ना तो चार्ज है ना तो कोई मास है, दैट इज गामा एमिशन, नो चार्ज नो मास। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये न्यूक्लियस है, आपको देखो फिजिक्स देखना है, एटम की साइज जो होती है कितनी होती है, एटम की साइज, साइज ऑफ एटम, एटम का साइज कितना होता है, साइज ऑफ एटम, एटम का कितना साइज होता है पता है आपको, एटम का साइज होता है 10^-10 मीटर,
और आप लिखते हो 1 एमस्ट्रॉन्ग, याद आया? इधर साइज ऑफ एटम, ओके, एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, एटम से बड़ा होता है कम होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस कम होता है, गुड, कम होता है, तो कितना कम होता है वो साइज, 10^4 टाइम्स उससे कम होता है, तो 10^-14 मीटर, और फर्मी में लिखते हुए, ओके, दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, 10^4 का फैक्टर रहता है, इतना छोटा न्यूक्लियस है, एटम की साइज 10^-10 मीटर, और न्यूक्लियस की साइज है 10^-14 मीटर। तो अब आप देखिए कि ये कंसेप्ट, इफ यू गो दिस अपर, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस 10^-14 मीटर और ये 10^-10 मीटर, उससे बड़ा होता है एटम, और 10^4 का डिफरेंस है, तो उसको आपको समझना है, थोड़े बड़े लेवल पे आते हैं। तो आप एक बॉल ले लेते हो, तो एटम की साइज होती है, सपोज आपने एक बॉल ले लिया, तो एटम की साइज एक स्टेडियम जितना हुआ, बेसबॉल लेते हो ना, और एटम की साइज देखोगे तो पूरा स्टेडियम है, उतना डिफरेंस है, 10^4 का डिफरेंस है साइज में। अब ये न्यूक्लियस के अंदर से हमें मिलता है अल्फा बीटा एंड गामा, ये रेडिएशन करता है। तो अभी पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना रहता है कि भाई अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है, गामा डीके होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर से आते हैं, सभी न्यूक्लियस एमिट नहीं करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा रहते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लिया है, वहाँ से ही ये एमिशन होते हैं। क्लियर इतना? यस सर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है ये एमिशन करता है। हमारा डिस्कशन हमने ये स्टार्ट किया कि भाई अल्फा बीटा गामा पार्टिकल है वो जीएम काउंटर डिटेक्ट करता है। अब हमारा क्वेश्चन था ये अल्फा बीटा गामा है क्या, तो क्यों रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से एमिट होता है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कौन कौन से है, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, वो सब है। अब वहाँ से जो ये पार्टिकल आते हैं उसको जीएम काउंटर डिटेक्ट करता है। अब अल्फा को हमने, इसका 2 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 4 है, उसको 2He4 से हम कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं, बीटा माइनस बीटा प्लस, गामा गामा एमिशन होता है, और हम उसको फिल करना चाहे कि हाँ इतना छोटे न्यूक्लियस से ये सब एमिशन होते हैं 10^-14 मीटर। जैसे अब मैथ्स में जाओगे तो इतना छोटे वैल्यू पे तो काम नहीं करता, 0.0001, उसके बाद तो जीरो ले लेते हैं। हमारा डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होता है, एटम से 10^-10 मीटर, 10^-14 मीटर, और उससे भी छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियर फिजिक्स आप डिटेल पढ़ोगे वहाँ पर आपको ये, और आपको चाउमिन मिलेगा कहाँ, और इंटरेस्ट रहेगा कैसे आता है ये सब। अब उसके पीछे सब थियरी है, अल्फा डी के एमिशन, बीटा डी के, गामा डी के। अब मैं वो थियरी पे नहीं जा रहा हूँ, उसके पूरे पूरे 8 or 10 लेक्चर्स चाहिए जो आपको अल्फा डी के पूरा समझाना है, बीटा डी के का कंसेप्ट, गामा डी के। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर से एमिशन हो रहे अल्फा बीटा डी गामा डी के अनस्टेबल न्यूक्लियस से। अब उसे हमें डिटेक्ट करना है कि भाई ये पार्टिकल्स को हमें डिटेक्ट करना है, मतलब हमें डिटेक्टर चाहिए, जैसे हम आपकी आँख है वो भी डिटेक्टर है, वो देखते रहते हैं, हाँ अब तो सूरज आ चुका, फोटोन्स आ रहे हैं, ओके ये मेरा फ्रेंड आ चुका, तो हम पूरे दिन डिटेक्ट करते रहते हैं क्या, हाँ आज आपके मम्मा ने ये आइटम्स बनाई, ये आपका पसंदीदा जो भी भोजन बना आप डिटेक्ट करते हो, टेस्ट लेते हो, सब हमारे पास डिटेक्टर है। वैसे ह्यूमन बींग ने क्या किया, एज अवर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, दे मेक द डिटेक्टर टू डिटेक्ट दिस रेडिएशन, और उसमें जो फर्स्ट इनपुट दिया है 1908 में वो हैंस गीगर, 1908 उसमें जो फर्स्ट इनपुट दे दिया वो जो हमारे साइंटिस्ट है हैंस गीगर एंड रदरफोर्ड, उन्होंने ये पहला एक बार डिटेक्टर बना दिया था 1908 में जो डिटेक्ट रेडिएशन, लेकिन वो अल्फा रेडिएशन ही डिटेक्ट करता था। लेकिन हैंस गीगर का एक स्टूडेंट था, पीएचडी स्टूडेंट, उन्होंने 1928 में, जो पीएचडी स्टूडेंट था मूलर, ओके, उन्होंने और इसमें इनपुट दिया उनका, और इनपुट में उन्होंने बहुत ही थोड़ा एडवांस वर्जन लेके आया जो अच्छे से वो डिटेक्ट कर पाए, और उसी के बेस पे इसका नाम पड़ चुका ये एक्सपेरिमेंट का, गाइगर
मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर, ओके। तो उनके मैं फोटोज ये लिए हैं, तो आपको मैं बता दूं थोड़ा हिस्ट्री में, आप देखोगे कि देखो 1908 में गीगर एंड रदरफोर्ड ने साथ में मिलके, जर्मन फिजिसिस्ट है हैंस गीगर और ब्रिटिश फिजिसिस्ट है रदरफोर्ड, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में उन्होंने फर्स्ट ये डिवाइस बनाया था, वो अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट कर रहा है। और 1928 में उनकी जो पीएचडी स्टूडेंट थे वाल्थर मूलर, ये मूलर ओके, उन्होंने इम्प्रूव किया और उन्होंने गाइगर मूलर टू एडवांस वर्जन बनाया कि दे डिटेक्ट अदर टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरे जो रेडिएशन आ रहे हैं आयोनाइजेशन बीटा आ रहा है ओके, तो उन्हें डिटेक्ट कर पाए। तो ये उनकी थोड़ी हिस्ट्री है कि कब कौन से साल में 1928, मतलब आज हमारा 2020 है, तो बिफोर गिन लेते हैं तो 92 ईयर्स से पहले, और 1908 हम गिने तब से ये देखे तो 100 साल से ज़्यादा हो चुके ये इसका डिस्कवरी हो गया गाइगर मूलर काउंटर का, और आज भी हम यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, हमारे लेबोरेटरी में भी यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ न्यूक्लियर के डिटेक्टर्स में या तो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्ट करना है जहाँ जहाँ भी, त्यां पर भी गाइगर मूलर काउंटर यूज़ हो रहे। अब उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में आ जाते हैं कि उनका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से हम उन्हें स्टडी करते हैं। तो इफ़ वी गो फॉर कंस्ट्रक्शन पार्ट, यहाँ पर उनका एक बढ़िया से एक डायग्राम दिया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये एक ट्यूब रहता है गाइगर मूलर ट्यूब, उसको मैं आप चाहो तो ड्रॉ करके पहले बताऊँ तो थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया रहे। I will draw this part, कि इसमें क्या रहता है, एक गाइगर ट्यूब होता है ओके। अब आप ट्यूब एक बड़े अच्छे से मटेरियल से वो मैडअप किया रहता है गाइगर ट्यूब, और आगे उनको एक अपने स्टूडेंट्स ने बताया था मी का विंडो, एक विंडो भी होता है जो अल्फा पार्टिकल या आयोनाइजेशन रेडिएशन एक बार अंदर चला गया रेडियो एक्टिव रेडिएशन फिर से बाहर नहीं आने देता है। तो दिस गाइगर ट्यूब, ट्यूब के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, दिस गाइगर ट्यूब कहते हैं उन्हें। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल में एक वायर होता है ओके, एंड दिस वायर इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियल, जो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल रहता है ओके, एनोड कहते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी से वो कनेक्टेड होता है, और नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो उनके ट्यूब के आउटर कवर है जो ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक होता है उनके यहाँ पर आर, और एक आउटर कवर पे यहाँ पे उनका ये कनेक्शन रहता है। थोड़ा सा ड्राइंग में 1 मिनट, ये रेडिएशन आर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर वो ये कनेक्टेड होता है जो नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, इन्हें कहते हैं हम एनोड ओके, और इन्हें कहते हैं कैथोड, इन्हें कहते हैं कैथोड। और यहाँ पर ये ट्यूब का कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है, और हाई वोल्टेज पोटेंशियल हम दे सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 वोल्ट टू 1500 वोल्ट, उसका भी थोड़ा बहुत सारा साइंसेस है वो आई विल, इसमें जो उसका बैटरी का हम कंसेप्ट देखें, यहाँ पर ये जो रेंज होती है आप 0 टू हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट 1500 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, 1500 वोल्ट के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो उनका। अभी हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो गाइगर मूलर ट्यूब है, ट्यूब के यहाँ पे आप रेडिएशन एमिट करिए, अभी ये 15, इसका कंसेप्ट बैटरी का मैं आपको बाद में बताता हूँ, कोई हम एग्जैक्टली कोई हमारा पावर कितना आता है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल पावर मैक्सिमम कितना होता है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, 240 वोल्ट, हाँ 240 वोल्ट। तो ये कंसेप्ट हमें देखना है कि ये सर ये क्या कंसेप्ट है 0 to 1500 वोल्ट, तो वो मैं आपको अभी इसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं उसके बाद ये पावर के लिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किस तरह से काम करता है। अभी हमें देखना है कि ये हम रेडिएशंस आ रही है ओके, आपके पास सोर्स है, आपने कोई सोर्स रख दिया, ये सीजियम ले लिया, यूरेनियम ले लिया ओके, आपने सोर्स रख दिया और सोर्स से आपके रेडिएशन एमिट हो रहे, अब इसके पीछे पूरा फिजिक्स है, अभी ये सोर्स आ रहा है उसको डिटेक्ट करना है, अभी ये अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है, अब हमें डिटेक्ट करना है तो क्या करना होगा। तो जीएम का गाइगर ने और मार्सडन आपको, या तो आप
रदरफोर्ड, उन्होंने आइडिया क्या लगाया कि हम अंदर गैस फिल अप कर देते हैं और जो गैस लेते हैं वो कौन सा गैस ले रहे हैं, वो लोग इनर्ट गैस, कौन सा गैस ले रहे हैं, इनर्ट गैस वहां पे फिल अप कर देते हैं। और इनर्ट गैस आप कौन कौन से इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस एनी आइडिया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जो इनर्ट गैस क्यों कहते हैं, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ओके, तो इनर्ट गैस जो लेते हैं, सपोज हीलियम ले लिया, आर्गन ले लिया, तो आर्गन हम एग्जांपल लेते हैं तो वो 90% लेते हैं और दूसरा एक गैस ऐड करते हैं जो है अल्कोहलिक गैस, अल्कोहलिक गैस वो करते हैं 10%। ओके, तो यहाँ पर गैस के पार्टिकल फिलअप है इस चैम्बर के अंदर। ओके, गैसेस आर फिल्ड इन दिस चैम्बर। अब ये मैं पॉइंट्स करके बता रहा हूँ इनसाइड दी गैस। अभी एक मिनट, अब यहाँ पर गैसेस पार्टिकल है। ओके, इनसाइड दिस, अब जब ये रेडिएशन आ रही है तो रेडिएशंस क्या करेंगी, इनके सपोज एक रेडिएशन आ रहा है तो दे विल कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल, दे जनरेट हियर आयोनाइज, आयोनाइज पार्टिकल हमें जनरेट होंगे। आयोनाइज पार्टिकल मतलब ये गैस जो रेडिएशन आ रही है उसके साथ कॉलिजन करेंगी, दे ट्रांसफर द एनर्जी टू द गैस मॉलिक्यूल, उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम का वो एमिट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक सेपरेट मिलेगा हमें यहाँ पर और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेशन मिलेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट, उसे हम कहते हैं आयोन्स बने। तो ये क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने ये पोटेंशियल दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस यू विल अप्लाई आपने 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, जो भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दे विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स दिस एनोड, इसके वहाँ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव जो चार्ज है दे विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स दिस कैथोड। ओके, तो उससे हम थोड़ा और डिटेल यहाँ देखें कि अंदर प्रोसेस क्या होता होगा, उसका फिजिक्स क्या है। वी गो फॉर दिस, जैसे कि हमने बताया कि यह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, आयोन जनरेट हुए। ओके, अब आयोन्स में होता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दे विल एक्सलेट, जो हमने वायर्स बताया सेंटर वायर, जो पॉजिटिव वायर है उस डायरेक्शन पे ऑसिलेट करेगा और पॉजिटिव पार्टिकल इस डायरेक्शन पे ऑसिलेट करेगा। तो जितने जैसे एसिलेशन स्टार्ट करेगा तो उसमें दो तीन प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही फर्स्ट एसिलेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर फर्स्ट एक प्रोसेस होती है एवलेंच, एवलेंच प्रोसेस होता है। एवलेंच क्या होता है वो आपको हमें पहले समझना है, व्हाट इज एवलेंच प्रोसेस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नियर बाय, जैसे ही वो एसिलेट स्टार्ट करते हैं तो नियर बाय एटम्स और दूसरे मॉलिक्यूल से उससे कोलिजन होगा, तो दे जनरेट न्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगा। ओके, और ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से और इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने का स्टार्ट करेगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, दिस कॉल्ड अ चेन रिएक्शन। और यहाँ पर ये प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होती है उसे कहते हैं एवलेंच। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एवलेंच प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट स्टार्ट वेरी मच मोर और वो पॉजिटिव एनोड के वहाँ अट्रैक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव होते हैं, इफ यू गो हियर द पिक्चर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव होते हैं और दे गोइंग टू द पॉजिटिव पार्ट, और जो पॉजिटिव आयन्स है, ये पॉजिटिव आयन्स जो है यहाँ पे जैसे वो उसकी ट्यूब है वो कैथोड की वहाँ अट्रैक्ट होंगी। तो ये दोनों जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस पूरा सर्किट कवरअप करके फिर से यहाँ पर आएगा इस पोजिशंस पे, पूरी सर्किट की आप डायरेक्शन देखोगे, पूरा बैटरी रेजिस्टेंस यहाँ से आप उसे मेजर कर सकते हो, पल्स। ओके, एक पल्स यहाँ पर डिटेक्ट होगा, वो पल्स से आप कह सकते हो काउंट, ये पल्स रेट जो होता है वो काउंट करता है आर के वहाँ जो हम देते हैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पल्स रेट यू कैन काउंट, इसके यहाँ पर आपको पल्स मिलेगा वो काउंट रेट बताता है और फिर से वो यहाँ पे आके वो फिर से एटम्स मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसमें दो तीन प्रोसेस होती है, एवलेंच प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटेड मोर,
एक ये प्रोसेस होता है, सेकंड वहां पर प्रोसेस होता है ब्रेम स्वेलिंग। अब ब्रेम स्वेलिंग प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। एक तो एवलेंस प्रोसेस मतलब चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। नाउ द सेकंड प्रोसेस दैट इज ब्रेम स्वेलिंग और ब्रेम स्वेलिंग रेडिएशन हम कहते हैं, ब्रेम स्वेलिंग रेडिएशन। तो ब्रेम स्वेलिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब वो एसेलेट कर रहा है और कहीं इसके नियर बाय मॉलिक्यूल क्या करते हैं उसको डी एसेलेट करता है ड्यू टू नियर बाय मॉलिक्यूल्स एंड जनरेट सम रेडिएशन ड्यू टू नियर बाय मॉलिक्यूल्स ड्यू टू नियर बाय मॉलिक्यूल्स दे डी एसेलेट दे डी एसेलेटेड एंड जनरेट सम रेडिएशन। ओके यूवी रेडिएशन से या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दे जनरेट रेडिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ ब्रेम स्वेलिंग रेडिएशन। ओके मतलब वो पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन वो जो स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है उसको डी एसेलेट करें मतलब उसकी एसेलेशन कम कर दे तो दे जनरेट सम रेडिएशन। तो दिस आर कॉल्ड ब्रेम स्वेलिंग रेडिएशन, उसको ब्रेम स्वेलिंग रेडिएशन कहते हैं। और एक यहाँ पर आप देखोगे जीएम काउंटर में आएगा डेड टाइम, डेड टाइम। अब डेड टाइम क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है कि द टाइम एट विच द पार्टिकल जो जीएम काउंटर ट्यूब है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि अदर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करे। द टाइम एट विच इट कैन नॉट डिटेक्ट द अदर पार्टिकल्स वो डेड टाइम नियरली होता है 200 माइक्रोसेकेंड टू 400 माइक्रोसेकेंड। उस सेकेंड के लिए वो पार्टिकल्स वहाँ पर डिटेक्ट नहीं करता है और इज इनकेपेबल टू डिटेक्ट क्योंकि वहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है एवलेंस प्रोसेस ब्रेम स्वेलिंग प्रोसेस तो थोड़े टाइम के लिए वो जो नया पार्टिकल आ रहा है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं डेड टाइम। उसकी डेफिनेशन लिखना है तो मैं लिख देता हूँ द टाइम पीरियड in which is incapable to detect other radiation or to detect alpha beta okay incapable to detect radioactive particle or radioactive particle okay usko kehte dead time simple hai avalanche process matlab electron zyada generate ho rahe brem strahlung radiation hota hai wo kya hota hai electron ko deacylate karta hai aur kuch radiation generate hoti hai due to nearby atoms and molecules usko brem strahlung radiation kehte hai और डेड टाइम होता है कि उस टाइम के लिए वो इनकैपेबल है टू डिटेक्ट रेडियोएक्टिव अदर पार्टिकल्स दे आर कॉल्ड अ डेड टाइम और उसकी वैल्यूज 200 माइक्रोसेकेंड टू 400 माइक्रोसेकेंड मिल रहा है। ओके और एक यहाँ पे लास्ट जो हमें एक थोड़ा फिजिक्स देखना है एक प्रोसेस होती है क्वेंचिंग प्रोसेस। ओके तो क्वेंचिंग क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एक प्रोसेस जो रहता है दैट वी हैव टू डिस्कस दैट इज अ क्वेंचिंग प्रोसेस। ओके देखा आपने आगे बताया था कि 90% इनर्ट गैस लेते हैं और जो 10% है वो अल्कोहल लेते हैं। अभी ये प्रोसेस हमें देखना है कि क्वेंचिंग प्रोसेस क्या है। तो अल्कोहल जो हमने लिया 10% अल्कोहल उसका काम यहाँ क्वेंचिंग प्रोसेस में होता है। क्वेंचिंग प्रोसेस क्या होता है कि आपने जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ जब वो फिर से पूरी जर्नी कंप्लीट करके पॉजिटिव जो आयोन्स है ओके ये पॉजिटिव आयोन्स उसके साथ दोनों मिलते हैं और फिर से वो एटम्स और मॉलिक्यूल बनता है तब जाके एक रेडिएशन जनरेट होता है। ओके वो फोटॉन्स जनरेट होते हैं। द फोटॉन्स जो जनरेट होते हैं उसको कहते हैं क्वेंचिंग प्रोसेस। ओके ये फोटॉन्स जनरेट होते हैं। ओके और वो एवलेंस फिर से बढ़ा देता है ये फोटॉन्स फिर से दूसरे नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स फिर से जनरेट करेगा और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं क्वेंचिंग प्रोसेस। वंस अगेन आई रिपीट जो भी इलेक्ट्रॉन्स है जैसे हमने ये देखा सर्किट आप फिर से देख लो कि ये सर्किट पूरी कवर कर लेता है। ओके तो अपर
ये पूरा इलेक्ट्रॉन से वो कवर करके फिर से आ रहा है इधर, यहाँ से पॉजिटिव आंस ये पोजीशंस पे वो फिर से यहाँ पर नियर बाय फिर से गैस मॉलिक्यूल बनने लगे सेम जो थे। उस दौरान क्या होता है, फोटोन जनरेट होता है, ये फोटोन जनरेट होते हैं और वो फोटोन्स क्या करता है फिर से अवलेंथ प्रोसेस स्टार्ट करता है। फोटोन्स इंक्रीज एवलांच प्रोसेस, ओके, एवलांच प्रोसेस इज इंक्रीज बाय फोटोन्स, एवलांच प्रोसेस, फोटोन इंक्रीज एवलांच प्रोसेस। और उसको कंट्रोल करने के लिए ये 10% अल्कोहल यूज होता है, 10% अल्कोहल यूज होता है और अदर गैस अदर ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जिससे ये फोटोन जो जनरेट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले। क्लियर? ओके, तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी आ रही है, एक्स्ट्रा जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये आपको समझ आया स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ यस सर। ओके, तो अभी कोई क्वेश्चंस हो आपके साइड से तो आप पूछिए। ये थोड़ा मैंने उनका कंसेप्ट बताया कि अंदर क्या प्रोसेस होता है और फिर ये काउंट करके आपको बताता है काउंट रेट, लेकिन इसके अंदर का जो फिजिक्स है वो बढ़िया है। ये एकदम डिटेक्टर, आयोनाइजिंग डिटेक्टर कहते हैं और उसकी जो प्रिंसिपल है वो आयोनाइजेशन के बेस पे वो डिटेक्ट करता है। और ये जो पल्स रेट आते हैं यहाँ पे फिर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब आ जाता है। हाँ मैंने ये बताया था कि आपको ये वोल्टेज के बारे में बताऊंगा, ये सब डिस्कस अभी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको इनमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए ये पूरी प्रोसेस में। सर सॉर्ट्स में किस टाइप का लेंगे, सोर्स आप मतलब सीजियम ले क्या सकते लेते हो, हैं? हेलेनियम, ओके, जो ओके, रेडियम है। अब रेडियम की सोर्स कोई ले सकते हो लेकिन उसको हैंडल करना आना चाहिए, हमें हाथ से हम टच नहीं कर सकते क्योंकि वो रेडिएशन इफेक्ट करता है। तो एक प्रिकॉशन, सोर्स को अच्छे से एक उनकी जो बॉक्स आता है वो बॉक्स में ही रखना होता है। जब हम यूज़ करते हैं तो उसके एक पूरा एक टिप होती है जिससे हम वो हैंडल से लेके उसे रख सकते हैं, हम हाथ से टच नहीं कर सकते, उतना केयर लेना है ये। सर हाँ बोलिए। ओके सर, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि अंदर काउंटर में 100 mm मर्क्यूरी प्रेशर होता है। सर 100 mm मर्क्यूरी प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, वो कुछ पता नहीं हाँ चला। वो यहाँ पे आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये जो जीएम ट्यूब रहता है उसमें जो प्रेशर होता है वेरी वेरी माइन्यूट प्रेशर रखते हैं। 100 mm प्रेशर मतलब जो यहाँ पर वैक्यूम, ये ट्यूब है ना, ट्यूब के अंदर वैक्यूम जनरेट करते हैं। वैक्यूम मतलब के अंदर दूसरे गैसेस नहीं रहने देते, जैसे आप ये फिल करते हो हीलियम गैस और ये नियोन गैस, कोई भी आपने इनर्ट गैस लिया, अल्कोहलिक गैस लिया, उससे पहले क्या करते हैं इसमें वैक्यूम जनरेट कर लेते हैं। मतलब उसका प्रेशर वेरी वेरी कम रखते हैं, बहुत हाई प्रेशर पे नहीं रखते। तो 100 mm जो आप कहते हो या उसकी कोई वैल्यू जो जैसा आप जीएम काउंटर बना चाहते हो या जैसा डिटेक्टर बनाना चाहते हो उसका अंदर का वैक्यूम जनरेट करते हैं, उसके बाद ये गैस फिलअप करते हैं कि अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो सब निकाल लेते हैं क्योंकि उसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं। जब आप ये जीएम ट्यूब बनता है जहाँ पर भी तो इतना ध्यान रखने में आता है कि अंदर दूसरा कोई गैस मॉलिक्यूल्स ना रह जाए, तो उसके लिए थोड़ा वो वैक्यूम जनरेट करना रहता है और उसका एक प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं। वो हर एक जगह पे करते हैं, अलग अलग जहाँ पे भी रिसर्च सेंटर है, चैम्बर्स है, तो वैक्यूम पम्प आते हैं, डिस्चार्ज पम्प या अलग रोटरी पम्प, उससे वहाँ पर उससे दूसरे जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो निकाल लेते हैं और वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टेंट प्रेशर जनरेट कर लेते हैं जैसे अदर डिस्टर्बेंस ना हो ये प्रोसेस के वक्त। गुड क्वेश्चन, एनी अदर? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ओके, इतना समझ आया आपको? यस सर। ओके, सो नाउ वी गो फॉर दिस वोल्टेज। जैसे कि मैंने बताया ये 0 to 1500 volt, मैं आपको कल हमारा जो सेटअप है उसमें भी बताऊंगा कि हमारी इतनी रेंज है, लेकिन ये जो आता है वो नियरली 12 volt ही आता है। मतलब ये जो एडेप्टर होता है बैटरी सप्लाई में, हम 230 volt से 12 volt देते हैं, 12 volt के बाद इसको ये रेंज दिया है 0 to 1500 volt। ये जो रहता है वो रेंज दिया है 0 to 1500 volt, एग्जैक्टली इतना वोल्टेज हम नहीं दे रहे,
वहां पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके उसको इतनी रेंज में वैरी करते हैं एग्जैक्टली. आई विल शो इट टुमारो कि जो एडेप्टर होता है वो 12 वोल्ट मतलब 230 वोल्ट आ रहा है, 230 वोल्ट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट कर देता है. 12 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करके ये जो बैटरी अंदर का है उसकी रेंज दी है 0 to 1500. और जो ये रेडिएशन डिटेक्ट कर आता है, जो ये यहाँ पर क्या होता है, पल्स जनरेट होता है. जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कॉलिजन हुए तो पल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, वो पल्स यहाँ पे आप डिटेक्ट करते हो और उससे काउंट करते जाते हो कि एक पार्टिकल आया, दो पार्टिकल आया. पार्टिकुलर वोल्टेज आपको सेट करना रहता है, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट. सपोज आपने 450 वोल्ट लिया और 30 सेकेंड्स तक आपने ये ऑन किया ये प्रोग्राम, तो 30 सेकेंड में वो कितना डिटेक्ट कर रहा है वो हमें प्रैक्टिकली डिटेक्ट करना रहता है. प्रैक्टिकल सेशन वेरी इजी, इसको कंसेप्ट भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, एंजॉय कर सकते हो इसमें. तो ये पूरा कंसेप्ट है. अभी सेकंड में उन्हें आपको थोड़ा ये आपको सेशन, इसमें हमारा एम क्या है, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएम क्यूब. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये कैसे काउंट कर रहा है, उसका प्लेटो रीजन क्या है, डेड टाइम क्या रहता है. सेकेंड थिंग, ये कितने लेवल तक आप इन्हें काउंट कर सकते हो. तो मेन एम है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना. तो यहाँ पर आप उसको देखोगे, ग्राफ दिया है ये आपको जो मैंने सर्किट डायग्राम बताया वो यहाँ पे दिया है, काउंटिंग रेट वर्सेस वोल्टेज. ओके, काउंटिंग रेट ऑन वाई एक्सेस एंड वोल्टेज ऑन दी एक्स एक्सेस. आप अप्लाइड वोल्टेज कितना दे रहे हो एक्स एक्सेस पे आप नोट डाउन करते जाइए. तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही आप वोल्टेज स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में कुछ इतना काउंटिंग नहीं बताएगा, बट ये गाइगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज देखो, यहाँ से ये रीजन पे आपको गाइगर प्लेटो रीजन इज अ गुड रीजन. वो रीजन पे अच्छे से काउंट आपको बता रहे हो, स्टेबल काउंट है. लेकिन यहाँ डिस्चार्ज रीजन स्टार्ट हो जाता है. डिस्चार्ज रीजन मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाती है हाई वोल्टेज पे, तो उसको टाउनसेंड डिस्चार्ज भी कहते हैं. और ये रीजन पे काउंट करना अच्छा नहीं है. वो ट्यूब भी वहाँ पर लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हो तो डैमेज हो सकता है या तो कुछ डिस्टरबेंस आ सकता है. तो बेटर इज दैट टू वर्क इन दिस रीजन, गाइगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज टू गाइगर ब्रेकडाउन वोल्टेज. और ये जो स्टेबल रीजन है उसको कहते हैं गाइगर प्लेटो. तो ये हमें, हमारा जो पूरा प्रैक्टिकल का एम है वो ये है, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएम काउंटर और गाइगर प्लेटो कौन से वोल्टेज से कहाँ कौन से वोल्टेज तक हमें मिल रहा है हमारा जो सेटअप है. हाँ बोलिए बोलिए. सर हम प्रैक्टिकल में वोल्टेज कितना रखेंगे इसका? अभी प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, 0 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे. फिर हम और देखेंगे कहाँ कि जाएंगे? 0 to मैक्सिमम वो पूरा हम परफॉर्म करके बताएंगे. अभी मुझे आंसर तो पता है लेकिन मैं बता दूंगा तो आपको रेंज पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये रेंज. लेकिन मैं आपको एक सर एग्जांपल देता हूँ. सर हम हाँ सर बोलिए बोलिए. उसमें सर लास्ट हमने पढ़ा था कि 100 वोल्ट जब होता है तो प्रोपोर्शनल काउंटर होता है, हाँ और सही जब है. वोल्टेज 1000 वोल्ट के आसपास चला जाता है तब वो जीएम काउंटर होता है। नहीं, वो जीएम काउंटर की रेंज पे डिपेंड करता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करो, कि उसका सेटअप अंदर से कैसे बना है. जो सर हमारा काउंटर है जीएम काउंटर, वो न्यूक्लियोनिक्स जो है, मेन न्यूक्लियर फिजिक्स की इंडस्ट्री है, न्यूक्लियोनिक्स कंपनी का है. तो हमारा जो स्टार्ट करता है वो 350 वोल्ट पे वो काउंट स्टार्ट कर रहा है और नियरली 700 और 800 वोल्ट पे वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है. उसके बाद डिस्चार्ज रीजन स्टार्ट हो जाता है 800, 1000 और 1200 वोल्ट पे. डिस्चार्ज रीजन इज नॉट गुड रीजन. गाइगर प्लेटो में आप देखोगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हम कल देखेंगे प्रैक्टिकल करके पूरा, तो नियरली आपको 300 से 800 वोल्ट, 300 to 800 वोल्ट पे गाइगर प्लेटो मिल रहा है. हाँ, आपने जो बताया वो बुक का जो दिया है वो कौन से काउंटर की बात करें उसके बेस पे होता है. कई कई काउंटर होते हैं जिसका गाइगर रीजन 1000 वोल्ट के और 1500 वोल्ट के बीच में मिलते हैं, लेकिन उसकी रेंज ज्यादा होती है, उस हिसाब से उसका जीएम क्यूब बनाया होता है. समझे? ओके गुड क्वेश्चन. एनी अदर? अब हमें कल ये पूरा काउंट रेट देखना है. एक तो विदाउट सोर्स, सोर्स नहीं रखे तब भी ये काउंट कैसे करता है, क्योंकि आसपास कोई रेडिएशन आ रही है, आसपास पे
ट्यूबलाइट्स ऑन है, वहां से फोटॉन्स आ रहे हैं, आसपास कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल है, तो विदाउट सोर्स ये कैसे काउंट करेगा और विद सोर्स कैसे काउंट करेगा, उनके हम पूरे रीडिंग्स लेके आपको ये जो ग्राफ नेचर है वो हमें प्लॉट करना है, क्लियर। और ये जो मार्केट में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है वो नियरली 60,000 से लेके 1,50,000, जैसा आप इंस्ट्रूमेंट लो हायर लेवल पे। न्यूक्लियोनिक्स कंपनी का बैटर रहता है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और नियरली अभी जो मार्केट प्राइस है उनका वो 90,000 to 1,00,000 रुपीज़ है। तो ये काउंटर हम इजीली तो अवेलेबल हम घर पे ऐसे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, बट ये गवर्नमेंट परमिशन के बेस पे मिल सकता है, तो हम यहाँ लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक आपके लिए मैनुअल बनाया है जो मैं आपको कल मैं सेंड कर दूंगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी दिया है और उसकी एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज क्या है इसके कि ये ईजीली ड्यूरेबल है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और ओल्ड टाइप ऑफ रेडिएशन वो डिटेक्ट करता है लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं कर पाता है, ये उसका डिसएडवांटेज है कि ये अल्फा रेडिएशन आई बीटा रेडिएशन आई वो स्पेसिफाई नहीं करता है। उसका डेड टाइम भी ज़्यादा है 200 माइक्रोसेकंड से 400 माइक्रोसेकंड कंपेयर टू अदर काउंटर, तो एक उसकी एक लो एफिशिएंसी भी है वहाँ पर, तो उसका ये डिसएडवांटेज है। और उसकी प्रोसीजर भी यहाँ पे मैं लिखा है और थोड़े उनके अभी ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको प्लॉट करके दे दूंगा। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए। क्वेश्चन है कुछ? नो सर। कुछ पूछना चाहते थे? नो सर। ओके तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है? 7। मैं लिख लेता हूँ 2 मिनट। फार फिर पटेल मैत्री प्रिया बेन 4 ही हो आप क्या? सर जितेंद्र आया था उसका कनेक्शन ठीक नहीं था शायद से। कोई बात नहीं, चलो जितेंद्र। ओके बाकी स्टूडेंट्स को बोलिए कि भाई ये सब आपके पॉइंट्स जब लेक्चर हम डिस्कस करते हैं तो क्या सब प्रेजेंट हो तो हमारा डिस्कशन अच्छा रहे और सबके डाउट सेशन एट ए टाइम सोल्व हो जाए, फिर बाद में फिर से हमें ये रिपीट ना करना पड़े, या स्टूडेंट्स के एट ए टाइम डाउट क्लियर हो जाए तो आपको फिर से दूसरे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बाकी स्टूडेंट्स को बोलिए रेगुलर। हाँ आपका नाम लिखिए मैंने सीमा बेन। ओके पार्थ पटेल मैत्री प्रिया बेन सीमा बेन जितेंद्र। ओके थैंक यू। तो आज घर पे आपको टाइम मिले तो आपको इनका जो कंसेप्ट है वो पीडीएफ मिले तो उनमें पढ़ना, मैं आपको ये कल सेंड कर दूंगा उनका। सेकंड आपको टाइम मिले तो आप कभी यूट्यूब वीडियो पे भी उसका कुछ बढ़िया सा एक दिया विद सम कंसेप्ट कहीं फैकल्टीज ने भी समझाया वो भी आप देख सकते हो फ्री फॉर दैट। को समझना है नॉलेज लेना है तो आप कोई भी वे या मोड से पढ़िए, और आज ही पढ़ लेना, कल इसके मैं थोड़े क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपको। बाकी स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स नहीं आए उन्हें भी बताना कि ये जीएम काउंटर हमने पढ़ा है और वो पढ़ने के लिए सर ने बोला है, उसके कॉन्सेप्ट्स बता दिए आज। और जो मुझे ये रिकॉर्डिंग तो हमने किया है ऐसा लगेगा तो ये रिकॉर्डिंग भी हम सेंड कर देंगे। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।